नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेटेंट मेडिसिन के बारे में, जिसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डली होती है। दोस्तों, एडल 43 के नाम से ये आपको मिल जाती है। एडल 43 कार्डिनोमा ड्रॉप्स के नाम से आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। इस दवाई के यूजेस के बारे में बात करेंगे और ये दवाई के क्या डोज रहती है, क्या कंपोजिशन रहती है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को हर्ट और कार्डियोवैस्कुलर ड्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये दवाई इनसे रिलेटेड कंडीशंस में पेशेंट को दी जाती है और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को बढ़ाती है। चलिए अब जानते हैं कि किन बीमारियों में इस दवाई को देना चाहिए। इस दवाई को कार्डियक इनसफिशियंसी में दिया जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा हो तो ये दवाई दी जाती है। एंजाइना यानी छाती के दर्द में इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट में भी हम इसे पेशेंट को देते हैं, अगर पेशेंट की हार्ट बीट रेगुलर नहीं रहती है। टैककार्डिया में हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन को भी ये दवाई बढ़ाती है। दोस्तों, ये दवाई कार्डियक स्पास्म में भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लड थिनिंग का भी ये दवाई काम करती है, बीटा ब्लॉकर का भी ये दवाई काम करती है हमारे हार्ट के लिए। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी में भी हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। हार्ट मसल्स अगर कमज़ोर हों तो उसमें भी हम इसे पेशेंट को देते हैं। डीजनरेटिव कंडीशन में भी हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेशेंट का अगर सर्कुलेटरी सिस्टम सही नहीं चल रहा हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी ये दवाई दी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली दवाई डाली गई है अर्निका, जो कि हर्ट के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है, पेन में भी काम आती है। दोस्तों, अगली दवाई इसमें क्रेटेगस डाली गई है, जो कि हर्ट मसल्स के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। कार्बोवेज डाली गई है, जो कि हमारे पेट में अगर गैस बनती है तो उसको ठीक रखती है। गैस की वजह से अगर पेशेंट को हर्ट में कोई परेशानी आती है तो उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा इसमें काली कार्ब डाली गई है, लैकेसिस डाली गई है और भी कई सारी दवाइयाँ डाली गई हैं जो हर्ट के लिए बहुत इफेक्टिव रहती हैं। दोस्तों, इसकी डोज की बात की जाए तो अडल्ट पेशेंट में ये दवाई दिन में 3 बार दी जाती है। इसकी लगभग 20 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर खाना खाने से पहले दिन में तीन बार दी जाती है। बच्चों में भी दिन में 3 बार ये दवाई दी जाती है, लेकिन 7 से 10 ड्रॉप्स खाना खाने से पहले दिन में 3 टाइम 1/4 कप पानी में डालकर दी जाती है। बच्चों में भी इसे दिन में 3 बार ही देना चाहिए, लेकिन हाफ डोज करके, यानी 7 से 10 बूंदे दिन में 3 बार। दोस्तों, अगर आपको हर्ट से संबंधित कोई भी परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले ये दवाई खाने से पहले। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।